on. ले जाइए। खाना आपको खाने का मन नहीं है हमारा। चाहे खाना छोड़ दे या पानी, हमरा बेटा तो वापस नहीं आने वाला। ना जाने हमरा पुनीत कहाँ होगा, परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो बाप है ना, भोगती तो माँ है, सहती तो भोग जाइए। ऐसा मत बोलिए, हम बाप हैं, कोनो कसाई नहीं है। अगर आप उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किए तो हम उसे अपना स्नेह बिरोक समझिए। तो फिर हो खड़ी काहे मार डाला आपने अपने स्नेह को, दुई शब्द अगर प्यार के कह दिए होते तो हमरा पुनीत आपकी बात कभी नहीं उठाता, वो रुक जाता। पुनीत हमें छोड़ के नहीं जाता, वो रुक जाता। देखो मेरे लिए बाबूजी। तुम्हारे लिए, हमको अपनी बेटी के मन का भाव पढ़ना आता है। देख बेटी, तुम्हारे बाबूजी तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम एक दिन पुनीत बाबू के पास जाकर उनका प्रोग्राम देखो, है ना? अगर मन में दृढ़ इच्छा हो तो भगवान भी उसके सामने झुक जाते। अरे बेटा, वो गायक है, बहुत बड़े गायक, वो क्यों आएंगे तुमसे मिलने? कहीं आसमान धरती से मिलने आता है? धरती लालायत रहती है आसमान से। पता नहीं बाबूजी कैसे होंगे, कब छोड़ेगा डॉक्टर उनको, कब देखेंगे हम उनको।
बाबू आप यहाँ हमारा घर पर? सोच रही होगे कि हम सुबह सुबह अचानक यहाँ क्यों आ गए। दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए, पर हम ये नहीं जानते कि हम जो यहाँ पर आपसे मांगने आए हैं वो हमें मांगने आना भी चाहिए था या नहीं। बस एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ। से कुछ मांगने मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं हम जो आपसे मांगने आए हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं, फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आप हमरा से माफी काहे मांग रहे पुनीत बाबू? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर वालों ने जो आपके साथ बदसलूकी की है, आपके भाई निलय और बहन नीलू के साथ जो बदसलूकी की है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हो सके तो। नहीं पुनीत बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे माफी मांग रहे हैं? आप हमसे माफी मांग करके हमको पाप का भागी मत बनाइए। और वैसे भी गलती हमारा ही था, हम अपना औकात ही भूल गए थे, भावना में बह करके उतना बड़ा घर का बहू बनने का सपना देखने लगे। आपकी पत्नी बनेगी ये भूल गए थे कि छोटा लोग को सपना देखने का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। नहीं नाना, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि आपको सपना देखने का हक नहीं, प्रेम करने का अधिकार नहीं? ये किसी की बपौती नहीं है, इस पर किसी का जोर नहीं और ना ही किसी की पाबंदी। और दूसरी बात, प्रेम की पहल पहले हमने, इसलिए वो गलती वो अपराध जिसे घर वालों ने आप पर थोपा, उसे आप पर नहीं हम पर थोपना चाहिए था। दोषी हम हैं, दोष हमारा है। नीले, नीले उठो, उठो। नैना दीदी भोरे भोरे किनसे बतिया रही है? चलो नीले, चल कर देखते हैं। हाँ, चल। पता नहीं किनसे बतिया है। चल। और अगर उन्हें हम चाहिए तो उन्हें हमारे साथ आपको भी कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारा जीवन है, जीने का मकसद है आप। हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा। हेलो चाचा जी, हम राज बोल रहे हैं। प्रणाम। जीते रहिए राज बाबू। पुनीत कहाँ है? वो तो करना बंद करिए। समझ रहे हैं ना? बताइए कहाँ हैं आप लोग? नहीं, हमारा मतलब नैना जी से वो बस। समझ गए आप। ये बताइए आप कहाँ हैं? हम ये मिमियाना बंद कीजिए। हमारे सामने पैदा हुए हैं आप, ये बच्चा है, समझना। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए राजबाबू, जो जिंदगी देना जानता है ना, वो जिंदगी लेना भी जानता है। मरने वरने की बात नहीं कर रहे हैं आप, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो रोजी रोटी देता है
वो रोजी रोटी छीन भी लेता है। फैसला कर लीजिए कि दाना पानी उठवाना है कि रखवाना है। बाकी चाचा जी, हम ऐसा कौन गलती कर दिए जो आप हमसे बहुत नाराज हैं? हम आपसे बहुत ही नाराज हैं। बाकी हम आपको फोन सिर्फ इसलिए किए हैं, पुनीत अभी बच्चा है, हा? नादान है वो, लेकिन आप बड़े हैं, समझदार हैं, समझे ना? जी जी। और इस नाजुक वक्त में आप उसका नहीं, हमारा साथ देना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात, अगर आपने इस नाजुक वक्त में हमारा साथ दिया, हम आपके सारे काल कष्ट दूर कर देंगे, समझ गए ना? देखिए चाचा जी, हम तो आपके साथ हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। आ गया ना? जी समझ गए। हाँ, पुनीत को फोन दीजिए, बहुजी से बात करें। जी जी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते नैना, पहुंच दीजिए। आप हमारी बात नहीं, मुस्कुराइए, देखिए तो मुस्कान आपके होठों पर कितनी प्यारी लग रही है। क्या करें पुनीत बाबू, जिंदगी ने तो कभी मौका ही नहीं दिया ये सोचने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अब हम कभी आपको फुर्सत नहीं देंगे किसी बुराई के बारे में सोचने की। हाँ, हम अभी इसी वक्त अपने घर वालों की गलती का पश्चाताप करने जा रहे हैं। हम आपसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। आपकी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाकर हम आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। अगले 7 जन्मों तक के लिए हम आपको पति पत्नी के बंधन में बांधना चाहते हैं। नहीं नहीं पुनीत बाबू, ये नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हैं? हाँ, अगर रिश्ते की गहराई को नहीं समझता तो शायद नहीं क्या। पुनीत बाबू, शादी कौनो गुंडा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाह जिससे चाह कर ले। अरे शादी तब एक पवित्र बंधन, जन्म जन्म का रिश्ता है। एक छोर मजबूती से बंधा होता है अपना लोक के प्रेम से, समाज के नियम से, कुल खानदान के मान मर्यादा से, तो दूसरा छोर मजबूती से बंधा होता है इन सब के दायरा में खड़ा लड़का लड़की से। और हम इन दायरा में नहीं आते हैं, इसे हम विवाह भी नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं इस बात को नैना,
पर क्या करें जब कोई हमारे सच्चे प्रेम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों किसी की गलती की सजा भुगते? पुनीत बाबू, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पर आप भी तो समझिए, हर माँ बाप अपना बेटा बेटी को लेकर सपना सजोता है, सपना देखता है, ओकरा बियाह खातिर हमरे माँ पिताजी भी तो देखे होंगे, फिर उनको बिना बताए बिना उनकी इजाजत के हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, परिस्थिति भी हमको इजाजत नहीं देता कि हम इतना बड़ा कदम उठाए। नहीं पुनीत बाबू, तो ठीक है, ले लीजिए इजाजत, बता दीजिए अपने माँ बाबूजी को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कह दीजिए उन्हें कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करने जा रहे हैं। लीजिए। हेलो चाचा जी। हाँ क्या हुआ, पुनीत कहाँ है? चाचा जी हम आपको कैसे बताएं, ये पुनीत बाबू नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। क्या क्या हुआ? पुनीत नैना से ब्याह करने जा रहे हैं।